नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो पशुपालक साथियों, आज हम आपके साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर 6 और 7 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय पशु प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है। और दोस्तों बात करें आज 7 अप्रैल को, तो रिंग नंबर 2 में मुर्रा ड्राई भैंसों का कंपटीशन लड़ा जा रहा है। हम इसे मुर्रा ड्राई और सुसक भैंसे भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा पशुधन यहाँ पर दोस्तों आया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे पशुधन पशुपालक साथी अपने लेकर आए हैं। तो पशुपालक साथियों देखते हैं कि आज इस मुकाबले में कौन सा पशुधन अपना पहला स्थान प्राप्त करता है और कौन सा पशुधन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहता है। पशुपालक साथियों, हम आपके लिए नई नई अपडेट, नई नई मेलों की जानकारी और नई नई वीडियो पशुधन की वीडियो भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे घंटी वाले बटन को दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आए सबसे पहले पता आपको लग सके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने जजिंग चल रही है, बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट किया जा रहा है। हर पशु की हाइट और लेंथ के साथ मापी जा रही है और पूंछ देख सकते हैं आप, आपके सामने लोग पूंछ कैसे चेक कर रहे हैं आप देखिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखा जा रहा है। जिस पशु को जिस भी मापदंड में जितने पॉइंट मिलते हैं उतने पॉइंट देकर जजिस अपना फैसला सुरक्षित रख लेंगे और अंतिम दिन को ही ये फैसले को सुनाया जाएगा। देखते पशुपालक साथियों, जजेज किस पशुधन को कितना पॉइंट और किस पशुधन को कितना पॉइंट देते हैं और किस पशु को विजेता घोषित कर सकते हैं। पशुपालक साथियों, हमने इस मेले में नोटिस किया है कि चाहे वो पशु किसी भी पोजीशन का हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या कंसोलिडेशन का हो, चाहे किसी पशु की कोई पोजीशन ना ही आई हो, तो हर एक पशुधन को रैंप के लिए लेके जाया जाता है। जहाँ पर पशुओं को आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर पशुओं को रैंप के लिए लेके जाया जाता है। जो भी चीफ गेस्ट होते हैं वो पशुओं की निगरानी करते हैं, देखते हैं कि कौन सा पशुधन उन्हें कैसा लगा, कितना अच्छा पशुधन यहाँ पर आया हुआ है। हर किसी के पशुधन को चाहे वो किसी भी पोजीशन में आए या ना आए, उसे रैंप वॉक से जरूर गुजारा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, 2 नंबर रिंग का ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ये तो कि दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी टॉप क्वालिटी का पशुधन आया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों जजेज ने अपना काम कर लिया है और अभी पशुओं को रैंप वॉक के लिए लेकर जाया जाएगा। ये देखिए पशु को रैंप वॉक चल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये समझ नहीं दे रही है तो उनको बाहर के लिए दिखाई नहीं देगा।
ओवर। हाँ बहुत अच्छे। चौबीस 28 कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। चलिए आगे बढ़िए। सफाई कर्मचारी के ड्रेसर यहाँ आ गया रैंप पे, इसको हटवा दें। 30 कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से सीरीज चल रही है लगातार, जो मेले का उद्देश्य था। 37 भवाना मिलट। 33 मवाना से। 35 मवाना से। बहुत ही बढ़िया। मेरे से क्षेत्र से भी पशु आए हुए यहाँ। हाँ जी, ये झोटों का कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके भी झोटे रह गए हैं तुरंत रिंग नंबर 8 जंप कर दे। गर्मी बहुत है तो भैंसे हैं, झोटे हैं, ये परेशान होते हैं। 36 नंबर रिंग नंबर 1 में झोटे और रिंग नंबर 2 में बड़े भैंसे। अमरोहा से बहुत ही बढ़िया शानदार। 22 नंबर जींद हरियाणा से, मुर्रा ड्राई बफलो। चलिए आगे बढ़ाइए। और जिनकी प्रतियोगिता समाप्त हो गई है वो पशुओं को अपने स्टॉल पे वापस ले जाएं, पानी इत्यादि पिलवाएं। और अगली प्रतियोगिता नर सांडों की।